भारतीय नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से भी कानून को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान भारत के किसी भी मसले में टांग अड़ाने से नहीं चूकता। ऐसे में नागरिकता कानून वाले इस अहम मसले पर वो भला कैसे चूकता, जरा ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि नागरिकता संशोधन कानून पर पाकिस्तान क्या सोचता है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान की। इस कानून पर इमरान खान की प्रतिक्रिया सबसे पहले आई थी। भारतीय संसद में बिल पास होने के अगले ही दिन पाक के पीएम इमरान खान की प्रतिक्रिया तो आपको मालूम ही होगी। तब इमरान ने कहा था कि हम भारत के इस विधेयक की सख्त निंदा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सारे मानदंडों और पाकिस्तान सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करता है। ये आरएसएस हिंदू राष्ट्र की योजना का हिस्सा है, जिसे फासीवादी मोदी सरकार बढ़ा रही है। इमरान के बाद बारी आई पाकिस्तान के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल की। फैजल ने भारतीय नागरिकता बिल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिसे राइट विंग हिंदू नेता कई दशकों से लगातार अनुसरण में लाना चाहते रहे हैं। इमरान खान और मोहम्मद फैजल की तीखी प्रतिक्रिया के बाद तो मानो पाकिस्तान से बयानों की बाढ़ ही आ गई थी। पाकिस्तान के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों ने इस बिल को लेकर भारत पर जमकर निशाना साधा। उनकी ज्यादातर प्रतिक्रियाएं मुसलमानों को इस विधेयक में शामिल न किए जाने पर थी। ऐसे में पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदुओं ने इस कानून पर क्या कहा, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। इस कानून को लेकर पाक निवासी हिंदू पंचायत के अध्यक्ष प्रीतम दास कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लोग इस विधेयक का खंडन कर रहे हैं, लेकिन इस विधेयक ने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भारत जाने का द्वार खोल दिया है। वहीं एक पाकिस्तानी पत्रकार अमर गुरीरो का कहना है कि पाकिस्तान हिंदू अपनी सिंधी पहचान पर बड़ा फक्र रखते हैं और ये धारणा कि वे भारत जाना चाहते हैं काफी हद तक गलत है। पाकिस्तानी हिंदू अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या पश्चिम की ओर बेहतर संभावनाओं के लिए पलायन कर रहे हैं और भारत उनका लक्ष्य देश है। ऐसे ही कई अन्य पाकिस्तानियों ने भी नागरिकता संशोधन कानून को भारत सरकार की ओर से सकारात्मक कदम बताया है। अब ऐसे में नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने के बाद पाक सरकार और चंद नेताओं का तंज कसना ये बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या कही जाएगी। जिस देश की छवि धार्मिक आधार पर अपने ही मुल्क के लोगों का शोषण करने को लेकर दुनिया भर के सामने हो, वह भारत को किस मुंह से नसीहत दे सकता है। इमरान खान को तो पहले अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की हालात पर कुछ करना चाहिए, बजाय भारत से ये पूछने के कि नागरिकता एक्ट में मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है। टीम खबर अपडेट।